Welcome to Maths class. I am Vishali from Raj International School. In this class, we are going to continue this exercise 11.4. In last class, we had done 4 questions of this exercise. Now, let us do 5th question. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of size 30 meters. इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहां पर क्या था, जो भी हमें स्क्वायर शेप रेक्टेंगल शेप गिवन थी, चाहे पार्क की या किसी भी चीज की, उसके चारों तरफ जो पाथ बन रहा था वो आउटसाइड बन रहा था, लेकिन अभी क्या है, इनसाइड। ठीक है, देखो, अ पाथ 1 मीटर वाइड, तो विड्थ कितनी है इसकी, 1 मीटर, इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर, मतलब बाउंड्री के साइड, बाउंड्री के अलोंग बन रहा है, एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन। तो अगर ये मेरे पास स्क्वायर गार्डन की शेप है जिसकी साइड 30 मीटर्स है, तो पाथ इस बार कहां है, इसके अंदर की तरफ, और इसकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर, इधर से ये भी 1 मीटर, ऐसे ही चारों तरफ से जो ये विड्थ है ये कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ, है ना, 30 मीटर्स, यहां पर ये भी 30 मीटर्स, तो जो इनर स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या होगी, 30 माइनस 1 तो ये वाला माइनस और 1 यहां से माइनस, दैट इज 30 में से ओवरऑल 2 माइनस हो गया, दैट मींस 28 मीटर्स। क्लियर, तो अंदर वाले स्क्वायर की मुझे साइड मिल गई और बाहर वाले की ऑलरेडी पता है। अब फाइंड क्या करना है हमने, द एरिया ऑफ द पाथ, अगेन वही पाथ का एरिया फाइंड करना है, पाथ का एरिया मतलब कंप्लीट एरिया में से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे। देखो, साइड ऑफ स्क्वायर, आउटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स, देन एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 30 मीन्स 900 मीटर स्क्वायर। सेम ऐसे ही अब इनर लेंथ, इनर साइड बता देते हैं, इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 30 माइनस 2 मीन्स 28 मीटर्स, देन एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई 28, दैट इज 784 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ, तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, दैट इज 900 माइनस 784, दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ऐसे ही देखो जो सेकेंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 per meter square। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है प्लांटिंग ग्रास की, कहां पर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, मतलब पाथ को हटाकर, जो ये पाथ है साइड से इसको हटाकर, जो ये पोर्शन अंदर बच गया इसमें क्या करना है, ग्रास लगानी है, और उसके लिए मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अंदर वाला एरिया क्या है मेरे पास, 780 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹40। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मल्टीप्लाई 784, दैट इज ये 0 एज इट इज, 4 4s are 16, 1 carry 4 8s are 32 plus 1 33, 3 carry 4 7s are 28 plus 3 31, तो कितना आंसर आया, 31,360 रुपीस। क्लियर, यूनिट ध्यान से लगानी है, कॉस्ट है तो रुपीस की यूनिट, मतलब जिसमें भी हमें कॉस्ट गिवन है रुपीस में गिवन थी, तो आंसर भी किसमें आएगा, रुपीस में। क्लियर,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स. मतलब क्या है इसका, आपके पास एक ऐसी रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है. क्रॉस रोड्स का क्या मतलब, इसके सेंटर बनाए कहां पे हुए हैं, थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क की लेंथ 700 मीटर गिवन है, ब्रेथ 300 मीटर गिवन है, और कैसे बना रखे हैं, पैरेलल टू इट्स साइड्स, मतलब साइड्स के पैरेलल एकदम सेंटर में से जा रहे हैं, ठीक है. एक रोड ऐसे और एक रोड ऐसे. अब इसकी जो विड्थ है वो आपको गिवन है 10 मीटर, मतलब ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ऐसे ही जो ये वाला रोड है इसकी भी विड्थ 10 मीटर, ठीक है. और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स. एक तो आपको इन रोड्स का टोटल एरिया फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, मतलब इन रोड्स को हटा के जो एरिया बचेगा दैट इज ये एरिया प्लस ये प्लस दिस एंड प्लस दिस, मतलब ये फोर एरियाज का सम फाइंड करना है आपने. गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स. देखो ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप इसको नेमिंग दे दो ए बी सी डी, ठीक है. अंदर वाले इस रोड को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इस रोड को नाम दे देते हैं के एल एम एन, ठीक है. मतलब ये जो बीच में ये वाला पार्ट है, और एक रोड ये वाला रह गया, इसको कुछ और नाम दे देते हैं दैट इज ई एफ जी एच, क्लियर. अब ध्यान से सुनना, करना क्या है, हमने रोड के एरिया को फाइंड करना है. तो इसको देखो, ये जो ई एफ जी एच है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ तो 700 ही होगी क्योंकि डीसी भी 700 है, तो ये वाली लेंथ 700 हो गई. और ये जो ब्रेथ है ये कितनी होगी, जितनी इसकी ब्रेथ है दैट इज 10 मीटर, तो आपके पास इसकी ब्रेथ भी है 10 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा, प्लस ये एरिया पी क्यू आर एस का सेम वही, ये जो लेंथ है ये कितनी है 300 और ये कितनी है 10 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई एरिया आ जाएगा. अब इसमें से देखो ये हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा के एल एम एन का एरिया, क्यों, क्योंकि जब आपने इस रोड का एरिया निकाला तो भी ये पार्ट आया है और इस वाले रोड का एरिया निकाला तो भी ये पार्ट आया है ना, दो बार काउंट हो गया, तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस कर देंगे. और इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है 10 और 10, स्क्वायर शेप बन गया ये, क्लियर. तो दोनों क्रॉस रोड्स का एरिया प्लस ये जो सेंटर में रोड बन रहा है दैट इज के एल एम एन, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रोड्स का एरिया आ जाएगा. देखो ध्यान से, सबसे पहले पी क्यू आपके पास है 10 मीटर, ठीक है, पी आर है 300 मीटर, तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 10 इंटू 300 मीन्स 3000 मीटर स्क्वायर. सेम ऐसे ही अब इस रेक्टेंगल में देखो ई एफ जी एच में आपके पास ई एफ कितना है 700 मीटर और एफ जी 10 मीटर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 700 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 7000 मीटर स्क्वायर, क्लियर. अब जो बीच में हमारे पास है दैट इज के एल एम एन, एरिया ऑफ के एल एम एन इज इक्वल्स टू एल इंटू बी दैट इज 10 इंटू 10 मीन्स 100 मीटर स्क्वायर. अब मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल क्रॉस रोड्स का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, देन एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ
KLMN, that is 3000 plus 7000 minus 100, that is 10,000 minus 100 is 9900 meter square. Clear? अब आपको अगर इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है तो हमने पहले भी किया था, क्या करना पड़ेगा इसको 10,000 से डिवाइड, दैट इज 20 से 20 कैंसिल, 0.99 हेक्टेयर्स। इसके अलावा और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इज इक्वल्स टू कंप्लीट एबीसीडी का एरिया माइनस जो ये रोड का एरिया हमारे पास आया है, दैट इज 9900। तो एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ रोड्स, दैट इज एबीसीडी का एरिया देखो क्या आ जाएगा, 700 मल्टीप्लाई 300 माइनस 9900, दैट इज ये 40 एज इट इज और 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 9900, दैट इज इक्वल्स टू दो जीरो एज इट इज 10 माइनस माइनस 1, 9 माइनस 9 इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको भी आपने किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्टेयर्स में, तो आप यहां क्या करेंगे? अगेन इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200100 अपॉन 10,000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दैट इज दो जीरो से नीचे तो पॉइंट कहां आएगा, 20 के बाद, 20.01 हेक्टेयर्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, इस रोड का एरिया, फिर ईएफजीएच का एरिया, और क्योंकि इसको दो बार काउंट किया था तो इसको माइनस कर दिया हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो मेरे पास आया रोड्स का एरिया, फिर एरिया ऑफ पार्क निकालना है एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ कंप्लीट दिस एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ रोड्स, एरिया कितना आया 21 और ये 40 एज इट इज 9900 माइनस करके आया 200100 मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6, सो यू कैन ट्राई। नाउ प्रज्ञा रैप्ड अ कोर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोर्ड, देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, डिड शी हैव एनी कोर्ड लेफ्ट। हमें क्या करना है, देखो प्रज्ञा रैप्ड अ कोर्ड, एक कोर्ड को रैप करती है वो एक बार तो किसी सर्कल शेप के अराउंड और एक बार स्क्वायर शेप के अराउंड। अब जो सर्कुलर शेप के अराउंड करती है उसकी आपको रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड जो आपके पास स्क्वायर शेप है उसकी साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा क्या गया है, हमें लेंथ फाइंड करनी है कि उसने सर्कुलर शेप के अराउंड कितनी लगाई है, कितनी रैप करी है कोर्ड, और स्क्वायर शेप के अराउंड कितनी कोर्ड रैप करी है, हमें वो चेक करना है। फिर मुझे ये देखना है कि क्या उसके पास कुछ कोर्ड रह गई, क्लियर, तो हम चेक करेंगे दोनों को माइनस करके। देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोर्ड रैप इज इक्वल्स टू, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उसके अराउंड डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट मीन सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर, दिस इज 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 यूज करनी है, इंटू आर, आर इज 4, नाउ 2 4s आर 8 और 8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 25.12 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड रैप इज इक्वल्स टू स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है 4 इंटू साइड दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 इंप्लाई 16 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, जब उसने सर्कल के अराउंड उसको रैप किया फिर उसने उसी कोड को किसके अराउंड रैप किया स्क्वायर के, तो मुझे चेक करना है क्या अब कुछ कोड बच गई. देखो 25.12 सेंटीमीटर पहले लगी थी अब 16 सेंटीमीटर, तो माइनस करके हम चेक करते हैं कि कितनी कोड लेफ्ट है ना. कोड लेफ्ट इज इक्वल्स टू 25.12 माइनस 16 दैट इज 9.12 सेंटीमीटर्स. क्लियर. तो हमारे पास दो तरह की शेप्स थी, सबसे पहले हमने सर्कल की सर्कमफ्रेंस की हेल्प से लेंथ ऑफ कोड फाइंड की, फिर स्क्वायर की पेरीमीटर की हेल्प से लेंथ ऑफ कोड फाइंड की, फिर हमने देखा कि अब कितनी कोड बच गई क्योंकि यहां पर कम लगी है, तो हमने माइनस करके आंसर फाइंड किया. ओके, नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 11.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 8. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. थैंक यू स्टूडेंट्स.